So I'm Huda Shaikh, okay, and I'm a nutritionist and clinical dietitian by profession. So today we are going to talk about stress and the diet. Abhi stress sabki life mein hoti hai. Koi bhi reason ho sakta hai stress ka. There can be any reason. Okay. So first thing we will see is what is stress. Stress basically hota kya hai. Sabse pehli cheez. Abhi hamare brain mein ek niche chhota sa portion hota hai jisko hum log hypothalamus bolte hain. Hypothalamus क्या होता है कि जब भी आपको आपकी बॉडी को कोई थ्रेट होता है या डिमांड होती है बॉडी की एक्सेसिव तो उस वक्त वो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉडी को बोलता है कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करो. वो हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? द सेकेंड पोर्शन हॉर्मोन्स इन्वॉल्व. हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन. अभी कॉर्टिसोल में भी दो तरह के होता है, एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन. तो ये दो जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बॉडी में इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है. अभी स्ट्रेस जो होता है वो दो तरीके का होता है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेस जो है वो बुरा ही हो. हम लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो बुरा स्ट्रेस होगा, मगर ऐसा नहीं है. स्ट्रेस अच्छा भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको स्ट्रेस होता है, जैसे हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम के पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इतने मार्क्स लाने हैं, पेरेंट्स ने बोला 80% लाना है, तो इतनी मेहनत हम लोगों को करनी है. तो उस स्ट्रेस को जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस हमें एनेबल करता है कि हम और अच्छे से काम कर पाए और उतना ज़्यादा हम हार्डवर्क कर पाए. दूसरा स्ट्रेस ये होता है जिसको बैड स्ट्रेस बोलते हैं. अभी ऐसे होता है कि एक दो बार अगर आपको स्ट्रेस हुआ लाइफ में तो दैट्स फाइन एनफ, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, मतलब बार 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 आप देख रहे हो कि कोई ना कोई रीज़न से आप स्ट्रेस हो जाते हो, कोई ना कोई रीज़न से आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है, तो वो कंटिन्यूसली जब इस तरह से आपको स्ट्रेस होने लगता है तो उसको हम लोग क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि वो एक बीमारी की तरह हो जाता है कि कंटिन्यूसली हम लोग को बार 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 स्ट्रेस हो ही जा रहा है. तो स्ट्रेस जो होता है वो दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने बोला, एक अच्छा और एक बुरा. तो अच्छा स्ट्रेस जो होता है वो हमको एनेबल करता है कि हम अच्छा काम करें, और बुरा स्ट्रेस जो होता है वो हमारी हेल्थ पे टोल ले लेता है या हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है ज़्यादा. हाँ हाँ, लेवल्स बढ़ते जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो ऐसे होता है कि स्ट्रेस जो होता है वो हम लोग कभी कभी हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि हमको कितना स्ट्रेस हो चुका है ऑलरेडी. हम लोग अपने आप को फोर्स करते रहते हैं कि नहीं, ये काम करना है, ये फुलफ़िल करना है. वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया. तो स्ट्रेस कंटिन्यूसली कोई ना कोई बात पर आजकल तो होता ही है, और आजकल जिस तरह की लाइफ स्टाइल है तो उसमें तो स्ट्रेस होना जो है वो पॉसिबल ही पॉसिबल है, क्योंकि जितना वर्क प्रेशर है आजकल लोगों पे और जिस तरह से परफॉर्म करने का प्रेशर होता है लोगों पे, वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है. अभी जैसे आप देखोगे तो पहले के जो हमारे मॉम डैड हुआ करते थे वो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करते थे कि तुमको 80% लाना है, 90% लाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. लेकिन आजकल इतना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गया है कि सब अपने बच्चों को भी प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, आपको इतना ही परसेंटेज लाना है, आपको इतना ही मार्क्स लाने हैं, वरना यू नो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा. तो बच्चा और स्ट्रेस में चला जाता है. तो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, भले ही वो एक 12 साल का बच्चा हो या वो एक 50 साल का आदमी हो. तो दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है ही है. जैसे मैंने बोला ये हॉर्मोन्स, अभी जो कॉर्टिसोल होता है ये अगर हमारी बॉडी में एक्सेस में प्रोड्यूस होने लग जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो हमारी बॉडी में वो हम लोगों को तकलीफ देना स्टार्ट कर देता है. जब तक थोड़े पोर्शन में है, थोड़े टाइम के लिए, मतलब दो दिन एग्ज़ाम है या कुछ छोटी सी चीज़ हो गई, किसी को पैसा देना है, एक बार पैसा दे के हो गया फिर इंसान का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है. तो एक बार वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो ठीक है, मगर वो कंटिन्यूसली अगर होता जाता है तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता जाता है. तो कॉर्टिसोल जब प्रोड्यूस होने लगता है उसके बाद में उसके इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं हमारी बॉडी में. तो फिर उसके बाद में कॉर्टिसोल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नंबर वन चीज़ ये है कि हम लोगों को सबसे पहले हेडेक होने लगता है. तो इंसान का सर दुखने लगता है जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है या कोई काम उसका नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये फील होगी आपको हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है.
आहिस्ता आहिस्ते करके आपकी एपेटाइट जो है आपकी एपेटाइट कम होने लगेगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इट विल गो फॉर अ टॉस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वैसा नहीं रहेगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, फिर आपकी नींद भी कम हो जाएगी क्योंकि टेंशन में वैसे भी इंसान को नींद नहीं आती है, तो फिर जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें आपकी नींद भी काफ़ी कम हो जाएगी और ऐसे ऐसे करते करते आपके हर बॉडी के पार्ट को वो अफेक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है CPBE, मतलब सी जो है वो कॉग्निटिव है, हाँ ये फिजिकल है, ये बिहेवियर है और ये इमोशनल है। तो कॉग्निटिव में ऐसा होता है आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जितने आप अच्छे हो वैसे आप नहीं कर पा रहे हो, आप जैसे चीज़ें रिमेम्बर करते थे वैसे आपकी मेमोरी नहीं रही क्योंकि आप भूल रहे हो चीज़ों। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी एक चीज़, एक जो ब्रेन का पोर्शन होता है वो सिर्फ उसी में लगा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ फुलफिल करनी है, वो बाकी चीज़ों को नहीं प्रोसेस कर पाता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये कॉग्निटिव एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकली अगर आप देखो तो वो उसकी एपेटाइट कम होने लगती है, वो खाना वैसे नहीं खाता है, उसकी बहुत सारी अगर आप देखो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होने लगती है बहुत से लोगों में। तो ये फिजिकल हो गया बिहेवियर, उसका जैसे बिहेवियर होता है नॉर्मली वो वैसा नहीं होता, चिड़चिड़ा होने लगता है, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता है, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। और इमोशनली ये होता है कि वो एकदम डाउन हो जाता है, जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे होते हैं लोगों से बात करते हैं घुल मिल के हंस के, वैसे वो बात नहीं करता है। अभी इसमें भी स्ट्रेस में भी तीन तरह के फिनोमिनन होते हैं, वन इज द फाइट मोड, द अदर वन इज द फ्लाइट मोड जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, और तीसरी चीज़ होती है फ्रीज मोड। हाँ अभी सबसे पहली चीज़ है, अगर हम लोगों का सबसे अगर प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चलो भाग लो, प्रॉब्लम आई भाग जाओ, तो ये इसको बोलते हैं फ्लाइट मोड, बंदे ने फ्लाइट लिया और चल दिया। अब सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड चीज़ ये होती है कि फाइट मोड, वो लड़े उससे। तो जो हॉर्मोन्स जिस तरह से प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में वो कहीं ना कहीं हमें एनेबल करते हैं कि हम फाइट करें उस सिचुएशन से। तो एक वो फाइट मोड हो गया, दूसरा फ्लाइट मोड हो गया जहाँ पे बंदा उससे एस्केप करने का रूट ढूंढता है। कई बार एस्केप उसके लिए अच्छा भी होता है क्योंकि क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता है उससे, लेकिन कंटिन्यूसली अगर उसका फ्लाइट वाला बिहेवियर रहा तो फिर क्या करेगा वो, उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं बचेगा। तो उसको कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन फाइंड करना है अपनी प्रॉब्लम का, तो हर बार तो वो फ्लाइट मोड नहीं ले सकता, हर बार फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता उसका, तो इसके लिए फ्लाइट मोड। और तीसरा होता है फ्रीज मोड, जिसके अंदर वो एकदम डिसरेगुलेशन में चला जाता है, मतलब जहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं, वो एकदम ठंडा बैठा है, मैं क्या करूँ, ना फ्लाइट ले रहा है और ना फाइट कर रहा है सिचुएशन से। तो ये तीन चीज़ें होती है जो होता है इन स्ट्रेस। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है ये हम लोग इसको बोलते हैं होम्स एंड राही स्ट्रेस स्केल। अभी ये दो साइकेट्रिस्ट थे नेम्ड थॉमस होम्स एंड रिचर्ड राही। इन 1967 इन लोगों ने एक मतलब 5000 जो मेडिकल लोग थे या मेडिकल पेशेंट्स थे उनके साथ में इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया, उनके जो भी रिपोर्ट्स थे वो देखे, एंड 43 ऐसे स्ट्रेस इवेंट्स ढूंढ के निकाले जिनसे लोगों को इलनेस हो सकती है। तो वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ये देखा कि स्ट्रेस से इंसान को बीमारी हो सकती है या इलनेस हो सकती है। तो उन्होंने 43 ऐसे लाइफ इवेंट्स निकाले, मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखे हुए हैं। तो पहला ये होता है कि डेथ ऑफ अ स्पाउस, इफ़ यू लूज योर स्पाउस तो वो एक स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा किसी का डाइवोर्स हो गया, दैट इज़ अनदर स्ट्रेस रीज़न, मैरिज का सेपरेशन, इम्प्रिजनमेंट हो गया, डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर हो गया, इंजरी और इलनेस हो गई अचानक में इंसान को, मैरिज हो गई, जॉब लॉस, बंदा कल शादी करने वाला तो ऑब्वियसली स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, एंड जॉब का लॉस हो गया, अचानक से उसकी जॉब छिन गई, मैरिज रिकंसिलेशन हो गया और रिटायरमेंट हो गया। तो ये 10 रीज़न हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो है प्रेगनेंसी हो गया, कोई न्यू मेम्बर आपकी फैमिली में आ गया, या कोई फैमिली मेम्बर छोड़ के चला गया, हाँ तो ये बहुत सारे ऐसे 43 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। अभी स्ट्रेस तो बहुत मतलब हर किसी की लाइफ में है, हम स्ट्रेस को कॉम्बैट कैसे करें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है।
अभी ये हो गया कि स्ट्रेस क्या चीज हो गई, स्ट्रेस में कौन से हॉर्मोन्स आ गए, कौन से हॉर्मोन्स है स्ट्रेस में? वेरी गुड. एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल में एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, या वो उसमें एक टाइप्स होते हैं दो. तो ये हॉर्मोन्स हो गए. उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, गुड एंड बैड. गुड कौन सा होता है? एब्सोल्युटली राइट. कंटिन्यूसली जो चलता रहता है, विच इज क्रॉनिक स्ट्रेस. एंड देन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट इफेक्ट्स डू वी हैव? कॉग्निटिव, फिजिकल, बिहेवियरल एंड इमोशनल, राइट. नाउ ये हो गया, ये स्ट्रेस स्केल हो गई हमारी, दिस इज डन. नाउ मूविंग ऑन टू द फूड्स दैट कैन कॉम्बैट स्ट्रेस. अभी यूजुअली लोगों को लगता है कि फूड का कोई काम नहीं होता, जब स्ट्रेस हो गया तो फिर डॉक्टर के पास सीधा, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास भागना है. तो फूड का कोई काम नहीं होता है, वैसे नहीं होता है. इनफैक्ट फूड जो है वो आपको, जो आपका स्ट्रेस है उसको कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकता है, राइट. अभी कुछ फूड्स मैं आपको बताती हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. नंबर वन, स्पिनच, पालक. तो हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, बिकॉज इसमें फोलेट होता है, फोलिक एसिड होता है, तो ये खाने से जो होता है हमारा जो गुड हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से थोड़े हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लोग ब्रोकली भी चूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरी ग्रीन लीफी, केल हो सकता है, तो एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे कैन ऑप्ट. द सेकेंड थिंग इज होल ग्रेन्स. अभी होल ग्रेन्स मतलब जैसे हमारा ओट्स हो गया, गेहूँ हो गया, ब्राउन राइस हो गया, किनुआ हो गया, बारले हो गया, ऑल ऑफ दीज होल ग्रेन्स जो होते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, हमारा रागी हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है, इसकी, इसमें क्या होता है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है. अब सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे जो मूड को है वो रिलैक्स करता है और हमको शांत करता है. तो इसके लिए जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं उन सब में ये चीज़ होती है, इसलिए होल ग्रेन्स खाना भी बहुत ज़रूरी है. थर्ड थिंग इज हर्बल टीज. अभी हम लोग नॉर्मल चाय तो पीते ही हैं, हमारी जो काली चाय हो गई या हमारी जो दूध वाली चाय हो गई, कॉफ़ी पीते हैं हम लोग, लेकिन हर्बल टीज जो होते हैं, जैसे कैमोमाइल टी करके एक टी आती है मार्केट में, तो वो टी जो होती है वो बहुत रिलैक्सिंग होती है. तो जब भी आपको स्ट्रेस जैसा फील हो रहा हो, तो आप अगर रात में सोने से पहले एक कप कैमोमाइल टी अगर आप पी के सोएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा. एक कैमोमाइल टी हो गई, दूसरी एक पेपरमिंट टी भी आती है, बहुत सारी हमारे मार्केट में हर्बल टीज अवेलेबल है. तो आपको अगर ऐसे फील हो रहा हो तो यू कैन गो अहेड एंड बाय व्हिचएवर यू लाइक. अभी फोर्थ वाला जो होता है, कोई भी फ्रूट अगर आप देख लो, फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए हमारे, ग्रेप फ्रूट हो गए, टैंजरीन्स हो गए, ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स जो होता है, अगेन उनमें एक रिलैक्सिंग कैपेबिलिटी होती है. तो आप जब एक, क्योंकि एक रिलीज ऑफ शुगर होता है, नेचुरल शुगर होता है, रादर देन ईटिंग जो शक्कर हम लोग खाते हैं, तो वो एक नेचुरल रिलीज ऑफ शुगर होता है बॉडी में, जो हमारी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है. दैट इज़ वन थिंग. फिर आता है डार्क चॉकलेट. अभी यूजुअली क्या होता है कि लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो वो लोग एक एक पूरी कैडबरी खा जाते हैं, तो उससे बेटर ये है कि यू गो फॉर डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट जो होता है 70% कोको जिसमें होता है, वो आप ले सकते हो और वो आप खा सकते हो 1 या 2 पीसेस मैक्सिमम. अभी उसके बाद में जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वो सब बहुत अच्छे इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस. अगेन वाटर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि वाटर कीप्स यू हाइड्रेटेड, और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. किसी भी हालत में हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. और फिर आ गए हमारे नट्स, जो हम लोग बादाम पिस्ता खाते हैं. बादाम पिस्ता बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करके एक कंपाउंड होता है, जो हमारी ब्रेन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है, एंड वो अगेन हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है. और सेकेंडली उसमें मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसमें कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेस रिड्यूस करने की. तो इसके लिए बनाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, और अपना नट्स जो है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगेन फ़िश, फ़िश जो हम लोग खाते हैं,
फिश में भी बहुत सारी ऐसी अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, तो वो अगेन एक रिलैक्सिंग केपेबिलिटी होती है हमारी फिशेस में, तो अगेन फिश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बेसिकली प्रोटीन जो भी होता है जिस भी फूड आइटम में होता है, अभी आप देखो आपका जो एग होता है, एग भी अगर आप दिन में 1 से 2 खाओगे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैव अ रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी. ठीक है, तो अभी हम लोग को फूड समझ में आ गए. नेक्स्ट टाइम इफ वी आर स्ट्रेस वी ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट. अभी दूध या स्ट्रेस होता है, मतलब जैसे मैंने बोला 2-3 दिन है, एग्जाम का स्ट्रेस है, या यू नो किसी को पैसे देने, एक बार पैसे दे के ख़त्म हो गए वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, तो थोड़े टाइम का अगर वो स्ट्रेस है या 1-2 बार अगर आपको हुआ है तो इट्स नॉर्मल. और स्ट्रेस जैसे मैंने बोला आजकल नॉर्मली सबकी लाइफ में होता है, तो छोटी छोटी बात पर हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, गाड़ी वाले ने ब्रेक मार दिया तो हमको स्ट्रेस हो जाता है. हाँ, अगर कंटिन्यूस स्ट्रेस है तो डेफिनेटली उनकी डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा स्ट्रेस से कंटिन्यूसली डिप्रेशन में जा रहा है, व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग इनटू डिप्रेशन देन द फूड विल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम मच. दो उस वक्त भी उसको बोला जाएगा कि एक बैलेंस डाइट मेंटेन करो, बट ही विल नीड अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट. क्योंकि क्या हो जाता है कि आफ्टर 1 पॉइंट ऑफ टाइम कंटिन्यूस जब स्ट्रेस होने लगता है इंसान को, तो फिर ही हैज़ दो सुसाइडल टेंडेंसीज, फिर वो कुछ ना कुछ या तो अपने आप को करने की सोचता है, या तो वो सोचता है यू नो मैं कहीं भाग जाऊंगा या मैं ऐसा कुछ कर लूँगा, तो ये सारी टेंडेंसीज आ जाती है. जब आपको ये लगता है कि ये सारी टेंडेंसीज आ गई है, उस वक्त यू विल डेफिनेटली हैव टू टेक दैट पर्सन टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट राइट. बट अदरवाइज नॉर्मल जो हमारी लाइफ में जिस तरह का स्ट्रेस होता है, तो उन सब चीज़ों में ये जो अगर आप फूड्स खाओगे तो आपको डेफिनेटली रिलैक्सिंग फील होगा. ओके, तो नेक्स्ट फूड होगा अभी मिल्क. हम लोग दूध तो नेचुरली वो पहले से है कि 1 कप दूध पी के सोना चाहिए काइंड ऑफ अ थिंग, तो ये यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप वार्म मिल्क भी पी के सोओगे रात में, बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन गेट्स कन्वर्टेड टू सेरोटोनिन, अ केमिकल अगेन विच रिलैक्सेस योर ब्रेन, तो अगर आप वो भी पी के सोओगे तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा. नेचुरली भी अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है, अगर वो भी 1 कप दूध पी के सोता है वार्म मिल्क रात में, तो वो अच्छी नींद लेता है रात में. तो ये सारे फूड्स अगर आप अपनी डाइट में डालोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करेगी. बेसिकली ये फूड्स बताने का ये मतलब है कि आप कुछ भी गलत ना खाओ उस वक्त, क्योंकि जब एक इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो यूजुअली सारे गलत ऑप्शंस चूज करता है खाने के. मतलब ऐसे हो गया, आज सपोजिंगली मुझे कोई चीज़ को लेके स्ट्रेस हो गया, मेरा कल कोई पेशेंट है, उसको कुछ उसने कुछ खा लिया, उसकी तबीयत खराब हो गई, अभी मुझे स्ट्रेस हो गया वो चीज़ को लेके. तो ये बात होती है कि अगर ठीक है, मैं अगर एक कप ऑफ कैमोमाइल टी पी लूँ या एक वार्म कप ऑफ मिल्क पी लूँ तो मुझे बेटर फील होगा एटलीस्ट, ये है. तो हम लोग यूजुअली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम हमेशा गलत चीज़ें खाने लगते हैं, और इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस्ड ईटिंग. तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली वी रीच आउट फॉर रॉन्ग फूड्स. मतलब जैसे हो गया हमारा बर्गर हो गए, चिप्स हो गए, मिठाई हो गई, चॉकलेट हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत हैवी कोई मिल्क शेक हो गया. स्पेशली हम लोगों को फ्राइड चीज़ें जो होती है, ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें जो होती है, वो ज़्यादा खाने का दिल करता है जब हमको स्ट्रेस होता है. क्योंकि ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है बॉडी का, जो स्ट्रेस होता है इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म. जब आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कोई डिमांड या कोई थ्रेट होती है बॉडी को, तब बॉडी रिएक्ट करती है नेचुरली. तो उस वक्त क्या होता है, ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो शुगर क्रेव करने लगती है, ज़्यादा शक्कर जो होता है वो खाने का जी होता है. तो बेसिकली क्या होगा, इंसान कुछ भी जो मीठी चीज़ है वो खा लेगा, कोई बाहर की चीज़ खा लेगा. बहुत सी बार ऐसे होता है कि लोग एक एक पैकेट बिस्किट खा जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है. मतलब वो बैठे एक जगह पे, वो दिमाग में वो टेंशन चल रहा है, वो जो हाथ में आ रहा है वो बस ग्रैब करके वो खाते जा रहा है, उनको पता भी नहीं कि उन्होंने कितना खा लिया है. लेकिन क्या होता है, कभी कभार एकाध बार हमने कम्फर्ट फूड बोलते हैं, जो हम लोगों को चिप्स मिल गया, बिस्किट्स मिल गई, चॉकलेट्स मिल गई, तो उसको कम्फर्ट फूड बोलते हैं.
तो यूजुअली हम इन कंफर्ट फूड्स आउट को रीच करते हैं जब हमको ऐसा दिल करता है. लेकिन क्या होता है अगर हम कंटिन्यूसली हमारी ऐसी ही आदत रही कि हम लोगों को जब भी स्ट्रेस होता है तो चॉकलेट खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी वेफर खा लिया, तो कंटिन्यूसली अगर ऐसी हैबिट रहेगी तो कहीं ना कहीं वो जो बंदा है उसका वजन बढ़ना है क्योंकि वो गलत चीज़ें खा रहा है. तो इसके लिए ये है कि आप ये सारी चीज़ें खाओ रादर देन वो सारी चीज़ें खाने के. और स्ट्रेस ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. जब हमको इनिशियली एक दो बार स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है क्योंकि जब हमको भगवान ने एक दिमाग दिया है तो ऑब्वियसली बात है उसको वो रैशनलाइज करने के लिए दिया है क्या गलत है क्या सही है और एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए दिया है. मगर हम अक्सर उसको इस्तेमाल नहीं करते सोल्यूशन ढूंढने के लिए. हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम कैसे भाग जाए उस सिचुएशन से. तो ये बात है कि अगर आप सही से रैशनलाइज करोगे, अगर आप सही से सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो तो आप स्ट्रेस को भी कॉम्बैट कर सकते हो. लेकिन यूजुअली ये होता है कि हम स्ट्रेस को कॉम्बैट नहीं करते, हम उससे भाग जाते हैं. जब हम उससे भागते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो डबल ट्रिपल हो जाती है. तो इसलिए स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज इन आवर हैंड्स, वी कैन कंट्रोल इट राइट. लेकिन हम कंट्रोल नहीं करते उसको. जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है स्ट्रेस, तो उस वक्त फिर ना डाइट काम करती है ना कोई चीज़ काम करती है बिकॉज हमने उसको कंट्रोल नहीं किया. एंड उस वक्त यूजुअली ये होता है कि लोग गलत चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं. एंड एट द वेरी सेम टाइम कॉर्टिसोल जो होता है, जो हमारी बॉडी में जो इंक्रीज होने लगता है, वो और हमारे जो बॉडी के फैट सेल्स होते हैं उनको वो और उनका अक्यूमुलेशन करने लगता है. कॉर्टिसोल जब बढ़ने लगता है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग कुछ गलत खा नहीं रहे हैं, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, मगर उसकी उनका वज़न बढ़ रहा है. तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है आजकल जिसकी वजह से लोग वेट गेन कर जाते हैं. तो लोग बोलते हैं ना मैं तो कुछ गलत खाता नहीं हूँ, मैं तो बाहर खाता नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं खाता हूँ, मैं तो वो भी नहीं खाता हूँ, बट स्ट्रेस इतना ज़्यादा है उनकी लाइफ में कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता चला जाता है, राइट. That is the reason I'm doing this session, no? It is required. इसलिए मैंने ये session choose किया. Because usually लोग मुझे यही पूछते हैं कि stress में क्या diet होनी चाहिए. तो बाकी सब चीज़ों के लिए तो ठीक है, weight loss करना है, weight gain करना है, diabetes है, PCOS है, मगर stress के लिए क्या diet है. लेकिन main ये है कि हमको पहली बात तो हमारे अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग stress से जूझ रहे तो, सबसे पहली चीज़. और अगर हमको कोई लगता है जो हमको हेल्प आउट कर सकता है उस स्ट्रेस में तो हमको रीच आउट करना चाहिए उस पर्सन के पास जाके. लेकिन यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं किसी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं अगर उसको बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में. हम लोग सिर्फ उसी में रह जाते हैं और रादर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाते चले जाते हैं पीछे. और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस हो जाती है हमारे सामने, लो खाओ, तो फिर इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता है. तो हाँ वही खाने पीने का ऑब्वियसली आपको अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे तो वही बताएगी, बाकी तो आप किसी और के पास जाओगे तो आपके पास दवाओं की लिस्ट आएगी और कुछ नहीं आएगा. तो अब उसके बाद में इमोशनल ईटिंग, जैसे मैंने बोला जब हमारे सामने जो भी चीज़ें आती है हम खा लेते हैं. अभी मेन बात ये है कि जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं जो चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, नंबर वन बहुत ज़्यादा शुगर फिल्ड चीज़ या शुगरी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. बिकॉज शुगर में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप देखो जब आप शुगर क्रेव कर रहे हो, जब आप खाते हो, जैसे एक मिठाई आपने खा ली, वो एक मिठाई जब आप खाते हो एक के बाद आप दूसरी भी उठा लेते हो. तो शुगर में ऐसा होता है कि पहली बात शुगर एक तो अडिक्टिव होती है, वो एक तरह से अगर आपको शुगर खाने की आदत पड़ गई तो वो अडिक्टिव होती है. अगर आपने एक मिठाई का पीस उठाया तो आपका दूसरा भी खाने का दिल करेगा. सेकंड चीज़ ये होती है कि शुगर जो होता है एक लेवल तक आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखती है, मतलब एक लेवल तक आपको बहुत अच्छा फील होगा. जैसे मैंने बोला ना अगर आप ये नट्स खाते हो, वार्म मिल्क पीते हो तो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन वो बहुत काफ़ी टाइम तक रहता है. शुगर का कैसे रहता है, थोड़ी सी देर के बाद में आपको फिर से वैसी ही फीलिंग होने लगेगी. मतलब अभी मैंने खाया मिठाई का टुकड़ा, मैंने उठाया, मैंने खा लिया,
अब मुझे हाफ एन आवर तक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बेटर फील हो रहा है. हाफ एन आवर बाद मुझे सेम उसी तरह की फीलिंग होने लगेगी और फिर मेरा दिल करेगा कि मैं कुछ मीठा खाऊं, मिठाई नहीं हो भले ही कुछ मीठा खाऊं. क्योंकि क्या होता है, एक लेवल तक आपकी एनर्जी को मेंटेन रखता है और उसके बाद में शुगर का जैसे जैसे वो एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, जैसे जैसे शुगर कम होने लगती वैसे वैसे एनर्जी ड्रॉप होने लगती और फिर आपको फिर से वो क्रेविंग होने लगती है. तो पहली चीज़ है शुगर वाली चीज़ें नहीं खाना है. सेकेंड चीज़ ये है मैदा है, रिफाइंड फ्लावर है. मैदा जो होता है, मैदा इज़ अगेन रिफाइंड. मैदे वाली चीज़ें हैं जैसे पास्ता हो गया, नॉर्मल मैदा हो गया, मैदे से कोई भी बनी हुई चीज़ हो गई, वो चीज़ें आपको नहीं खाना है क्योंकि वो अगेन जिस तरह से शुगर का इफ़ेक्ट होता है उसी तरह से मैदे का भी इफ़ेक्ट होता है. क्योंकि हम लोग दो चीज़ें होती है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारी जो गेहूं की रोटी हम खाते हैं रोज़, जो हमारा ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, ये सब आ गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में. दूसरी चीज़ जो होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ गई आपकी शुगर हो गई, हनी हो गई, जैगरी हो गई, जो भी शुगर सिरप हो गए, ये सारी चीज़ें, मैदा हो गया, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है. तो इन सब का जो इफ़ेक्ट है वो वैसा ही रहता है, जैसे शुगर का इफ़ेक्ट है वैसे इसका भी इफ़ेक्ट रहेगा. तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है. दूसरी चीज़ ये है कोई भी बहुत एक्सेसिवली फ्राइड चीज़, अगर बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, अभी कभी भी अगर आप देखो तो जब एक इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो उसको तली हुई चीज़ें और वड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, भजिया हो गया, ये सब खाने का बहुत दिल करता है. तो वो यूजुअली बोलेगा चलो आज भजिया बना दो, चलो आज बड़े बना दो. तो ये सब चीज़ें भी ऐसी होती है, आप एक खाओगे फिर आप दूसरा भी खा लोगे उसके साथ साथ में. तो ये भी ऐसा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा तो आपका वेट गेन होना ही है. नंबर थ्री, कोई भी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़. अभी जैसे हम अगर हमारी जो जनरेशन को अगर आप देखो तो हमारी जनरेशन को बर्गर और पेस्ट्रीज और केक्स और कपकेक्स और पिज्ज़ाज ये सब खाने का बहुत शौक है, राइट? तो अब ये होता है कि जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो क्या करते हैं, वो ये सारी चीज़ें खाते हैं. वो भले ही मिठाई और ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, वो चॉकलेट खा लेंगे, वो कोई मफिन खा लेंगे, वो कोई कपकेक खा लेंगे, केक खा लेंगे बहुत ज़्यादा. तो वो भी अगेन शुगर है, मैदा है और हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो कि हमारी जो जेनरेशन है, आज की जो जेनरेशन है, ज़्यादातर उनमें वेट गेन का एक प्रॉब्लम रहता ही है, मोटापे का एक ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो ही गया है. पहली बात तो स्ट्रेस लेवल तो है ही, दूसरी बात ये खाना पीना भी हमारा सही नहीं है, जो लाइफस्टाइल ही है हमारा ओवरऑल वो ही अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से मोटापा जो है वो कंटिन्यूस है. तो ये जो तीन चीज़ें होती है ये हम लोगों को बिल्कुल नहीं छूना है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, इनफैक्ट कभी भी नहीं छूना है. अगर आप स्ट्रेस्ड भी हो, नहीं भी स्ट्रेस्ड हो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं छूनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी को हार्म करती है एक नहीं तो दूसरे तरीके से, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग मूव करेंगे, अभी टिप्स टू कीप टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस. अभी क्या होता है कि डाइट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन अभी डाइट में भी कुछ तरीका होता है जिस हिसाब से आप अपनी डाइट मेंटेन रखोगे तो आपके स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रहेंगे. और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए, मतलब छोटी टू या थ्री आवर्स में आपको मील्स खानी चाहिए, ना कि ऐसा हो गया कि 5 घंटे में एक मील खाई, दूसरी मील 5-6 घंटे के बाद खा रहे हैं आप, वैसे नहीं होना चाहिए. तो नॉर्मल लाइफ में भी आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए, एक बैलेंस डाइट मेंटेन रखनी चाहिए. बैलेंस डाइट में तीन चीज़ें होती है, सबसे पहली चीज़ होती है एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जो हमारी गेहूँ की रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें. सेकंड चीज़ होती है हमारे प्रोटीन्स, तो हमारा पनीर, चिकन, अंडा, ये सब चीज़ों में आ जाता है, दूध, दही, तो ये हो गया प्रोटीन. नंबर थ्री जो हो गया वो हमारे फैट्स होते हैं. अभी फैट्स में भी सारे फैट्स बुरे नहीं होते, जैसे हम लोग बोलते हैं फैट बुरा होता है, वो एक विलन ही है बेचारा, लेकिन सारे फैट्स बुरे नहीं होते. अगर आप देखो कोकोनट है, कोकोनट में भी आप उसमें भी एक ऑयल निकलता है, जब आप उसको कोई भी चीज़ में मिलाओगे, अगर आप उसकी चटनी भी बनाते हो तो आप देखोगे जब मिक्सी को आप धोने जाओगे तो एक उसमें ऑयली ऑयली दिखता है, तो वो एक नेचुरली अपना ऑयल छोड़ता है.
कोकोनट हो गया वो भी एक ऑयल, उसमें भी ऑयल होता है. आपके नट्स हो गए, नट्स में भी ऑयल होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी फ़िश हो गई, अभी फ़िश में भी ऑयली फ़िश करके कुछ आती है, तो उसमें भी एक नेचुरल ऑयल होता है. तो अगर आप ये सही पोर्शन में खाओगे तो इट इज़ नॉट बैड फॉर योर बॉडी. जहाँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फ्राइड फूड खा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब जो बाहर का तला हुआ खाना खा रहे हो, यू नो फ्राइड फिश, फ्राइड चिकन, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, राइट? तो वो चीज़ें आपको नहीं खानी है जब आप स्ट्रेस्ड हो. तो आप एक बैलेंस डाइट मेंटेन रखो. सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो जब आप खाना खाते हो तो उस वक्त आपका जो मील टाइम होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होना चाहिए. मतलब उस वक्त हम लोगों को ये सब चीज़ों की बात नहीं करनी है कि नहीं मेरा इसका कर्ज़ा है, मुझे इसको पैसे देने हैं, मुझे इसको 20,000 देने हैं, मुझे इसको 40,000 देने हैं, या मेरे काम में आज ऐसे हो गया, आज उसने मुझे डांट दिया. तो जब आप खाना खा रहे हो तो उस वक्त ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए. खाने के टाइम पर सिर्फ आप खाने पर फोकस करोगे तो बेटर है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें बीच में आती है, जब हम वो सारी चीज़ों की बात करते हैं तो स्ट्रेस और माउंट होने लगता है और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है. तो इसके लिए हम लोगों को मेंटेन रखना चाहिए, उस टाइम पे हम लोगों को वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए. आजकल कॉमनली यही प्रॉब्लम हो गया है कि इतना टाइम हो जाता है तो उसमें बीच में हम लोग कभी भेल मंगा के खा लेते, कभी सेव पूरी खा लेते, कभी कुछ खा लेते, राइट? तो मेन ये है कि अगर आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप साथ में फ्रूट्स कैरी कर सकते हो. नंबर वन ये आपके पास एक ऑप्शन है. रोस्टेड चना या पीनट्स हो गया, जो आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है. कुरमुरा हो गया, वो भी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है. रादर देन कुछ और खाने के, वो तो आप खा ही सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद में नट्स हो गए, जैसे मैंने आपको बोला, तो आप नट्स कैरी कर सकते हो अपने साथ में. और आप कितने बजे निकलते हो, आपने बोला 9 बजे, और आप घर पे वापस कभी आते हो? मतलब ऑलमोस्ट उतना ही टाइम हो जाता है, 10-12 घंटे का डिफरेंस हो जाता है. तो बीच में आप कुछ भी कैरी नहीं करते हो अपने साथ में? बिस्किट आती है, हाँ, वड़ा पाव होता है. हाँ, तो नेचुरली अगर आप फ्रूट्स कैरी करो, नट्स कैरी करो, कुरमुरा है, रोस्टेड चना है, पीनट्स है, ये सारी चीज़ें आप कैरी करो. मखाने होते हैं घर पे, अगर किसी ने रोस्ट करके मखाने बना लिए वो आप कैरी करो साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सारी चीज़ें आप बीच में खा सकते हो बिना गिल्ट के, तो आपको तब ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत खा लिया है. लेकिन अगर आप इतना गैप रखोगे बीच में तो वो नेचुरल सी बात है कि आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स एक बार डाउन होंगे तो आपको चाहिए कुछ ना कुछ. यू नीड समथिंग और दी अदर, क्योंकि हमारा खाना जो है वो मैक्सिमम 2-3 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद में तो नेचुरल सी बात है कि आपको ऐसे फील होगा ही कि नहीं मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए. तो ये चीज़ें अगर आप, और फ्रूट्स आई डोंट थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी. इनफैक्ट फ्रूट अगर कैरी भी ना कर पाओ तो मोस्टली आजकल सब जगह आपको फ्रूट्स अवेलेबल हो ही जाते हैं, तो वो आप मंगा के खा सकते हो रादर देन ईटिंग. कभी कभार वंस इन अ वाइल 15-20 डेज में एक आध बार खा लिया वड़ा पाव, खा लिया कभी समोसा, दैट्स ओके. क्योंकि वो कभी ना कभी इंडल्जेंस तो होती है, हम लोग सब एक आध बार खा ही लेते हैं जब हमारा दिल होता है तो. लेकिन वो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे होता है कि एक टाइम के बाद फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगती है. तो बेटर ये है कि आप उसको एक प्रैक्टिस ना बनाओ. दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू. तो ये हो गया. सेकंड चीज़ ये हो गई कि आपको, जैसे मैंने बोला, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टे हाइड्रेटेड. जब आप नहीं पानी पियोगे प्रॉपरली तो अगेन आप डिहाइड्रेटेड फील करोगे. जब आप डिहाइड्रेटेड फील करोगे तो और ज़्यादा आपको ऐसे यू नो फील होगा कि यू नो कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मेरे एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं. तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है. तो ये और ये 4-5 टिप्स है जो अगर आप अच्छे से फॉलो करो, एक अच्छा आपका रूटीन रखो, तो आपकी लाइफ आराम से और आसानी से गुजर सकती है. इनफैक्ट जो हमारे एंसेस्टर्स थे, आपका जो टाइम था, इनफैक्ट वो टाइम काफ़ी रिलैक्स था एज़ कम्पेयर टू अस.
क्योंकि हमारे टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ज्यादा हर चीज को लेके स्ट्रेस होने लगा है, छोटी से छोटी चीजों को लेके आजकल स्ट्रेस होता है, मतलब छोटी से छोटा अगर कुछ हो गया तो उसको लेके हम लोगों को स्ट्रेस होने लगता है, उसको लेके हमको ये फील होने लगता है कि नहीं कुछ बहुत बड़ा हो गया है। रादर जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे या आप लोग, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे, मगर आज ऐसे हो गया छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। तो इसके लिए फिर स्ट्रेस एंड द डाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हम सबके लिए, क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। छोटे से छोटा बच्चा भी होता है, अगर 10 साल का 12 साल का, उसको भी स्ट्रेस है कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे टीचर ने 4 पेज होमवर्क दे दिया। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम्स इन ऑल फॉर्म्स एंड इन एवरीबडीज लाइफ। तो ये है वेज टू वार्ड ऑफ स्ट्रेस। अभी सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा बेटर फील होता है, आप लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो, नेटवर्क करते हो, तो एक आपको मौका मिलता है और एक आपको राह मिलती है कि किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों से हम लोग बात करते हैं और हमको कोई ना कोई सोल्यूशन सूझ जाता है उससे। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि क्या है, एक तो हमारी बॉडी भी यू नो एक्शन में रहती है, बॉडी हम लोग हेल्दी रहते हैं एक्सरसाइज करने से। और सेकंड चीज़ ये, अगर एक्सरसाइज ना हो पाए, जैसे हम लोग जिम नहीं जा पाते या कुछ नहीं है, तो नॉर्मल एक वॉक के लिए भी आप अगर निकल जाओ तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। आप वॉक के लिए चले जाओ, घर में मेडिटेशन कर लो, वो भी एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप या तो आप जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आप बात करो। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है लाइफ में तो आप बात करो उनसे, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपको कोई सलूशन नहीं मिलेगा, तो आप बात करो। थर्ड चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ जाओ, नेटवर्क करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला एक सलूशन आपको दिख जाएगा अपनी प्रॉब्लम का। फोर्थ चीज़ ये है, रिलैक्स करो। किसी भी तरह से आप रिलैक्स कर सकते हो, आपका खुद का तरीका हो सकता है रिलैक्स करने का। आप एक वेकेशन पे चले जाओ, 2-3 दिन गांव चले जाओ छुट्टी पे, वो एक तरीका हो सकता है जिस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हो अपने माइंड को, ताकि वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं तो हमको सोल्यूशन बेटर मिलता है। क्योंकि हम लोग कई बार हम लोग वो हड़बड़ी में होते हैं कि हम लोगों को सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है, तो हम नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अगर हम वेकेशन पे जाते हैं, 2-3 दिन हम लोग ऑफ लेते हैं अपने काम से, तो हम लोग एक बेटर सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं उस चीज़ का। नंबर 5 ये हो सकता है कि हम लोग जैसे हम लोगों की यूजुअली फीमेल्स की किटी पार्टीज़ होती है, तो सारी फीमेल्स जाके अपनी आपस में बातें करती है, जो भी डिस्कशन होता है, उसी तरह से आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो कलेक्टिवली मे बी आपको सब एक सोल्यूशन दे सकते हैं, वो एक चीज़ हो गई। तो एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन है, एक वॉक के लिए जाना, लोगों से बात करना, और लास्ट ये है कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है, बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, एक बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि अच्छे से सोना, जो 8 आवर्स ऑफ हमारी स्लीप होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हम सबके लिए, क्योंकि वो 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिजुविनेशन मोड में जाती है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हील होती है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है जब हम लोग सोते हैं तब। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जाए और थोड़ा सोए, हमारा 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप ले, मे बी उसके बाद में हम लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन दिख जाए हमारी जो प्रॉब्लम है उसका। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि हम लोग एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग स्ट्रेस को ज़्यादा हमारे करीब रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हो गई, स्ट्रेस हो गया। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस विल रिमेन एट बे। एनी क्वेश्चंस?